अपेरेंटली हेल्दी लोग, ऐसे लोग जो नौजवान हैं, इवन 18 साल की उम्र के जो लोग हैं जिनको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, वो खाते पीते, खेलते कूदते, डांस करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए लोग मर रहे हैं। ये बड़े ही दुखदाई बट शॉकिंग बात है। आप अपने बॉडी क्लॉक को समझ के ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक कि आप ज्यादा प्रोन है हार्ट अटैक के लिए, कार्डियक अरेस्ट के लिए या किडनी फेलियर के लिए इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से। डॉक्टर विश्वरूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद वंदना, धन्यवाद। डॉक्टर विश्वरूप, आजकल अचानक से ही लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। वो हंसते गाते होते हैं, खेलते होते हैं, या फिर जिम में होते हैं, या शादी समारोह में होते हैं, और अचानक से एकदम शांत हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं पता चलता कि उनको क्या हुआ है, और ये सब कुछ इतना अचानक से होता है, बिना किसी पूर्व संकेत के होता है। यहाँ तक कि उन्हें पहले भी कोई बीमारी नहीं होती है, फिर भी ये चीज़ हो जाती है। आखिर ऐसा, ऐसी क्या वजह, या क्या किन कारणों की वजह से ऐसा कुछ होता है? देखिए, ये आप सबने पिछले कुछ महीनों में देखा, ये अजीबोगरीब फिनोमिना मेडिकल इतिहास में या इंसानी इतिहास में पहली बार हुआ कि लोग अपेरेंटली हेल्दी लोग, ऐसे लोग जो नौजवान हैं, इवन 18 साल की उम्र के जो लोग हैं जिनको कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, वो खाते पीते, खेलते कूदते, डांस करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए लोग मर रहे हैं। ये बड़े ही दुखदाई बट शॉकिंग बात है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप अपने आसपास देखें तो आपके जान पहचान में भी ऐसे केसेस होंगे, जरूर होंगे, कि जहाँ पे ये सब हुआ है, कुछ किसी न किसी की मृत्यु हुई है, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल डेथ, सडन डेथ। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट कोई नया फिनोमेना नहीं है, लेकिन इतने तादाद में, वो भी ऐसे लोग जो कभी बीमार नहीं थे, कोई हिस्ट्री नहीं थी उनमें, ये एक अनोखी बात है वर्ल्ड वाइड। अब आपका सवाल है ऐसा क्यों है? देखिए, इस पे कुछ महीने पहले एक क्वेश्चन मार्क था क्यों है, लेकिन अब सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं और वो सबूत मैंने सारे इकट्ठे करके इस किताब में डाल दिए हैं। किताब का नाम है क्योर एट द रेट ऑफ 0 वोल्ट, पेज नंबर 22 ऑनवर्ड सबूत हैं, चाहे वो इजरायली ट्रायल हो, यूके की ट्रायल हो, थाईलैंड, जर्मनी स्टडी हो, यूएस की स्टडी है, वो दुनिया भर के जहाँ जहाँ से रेफरेंसेस डाल के वो कारण इसमें आप पढ़ें। ये बुक आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट में जाके, विश्वरूप.com, BISWERWP.com/ebook में जाके आप ले सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, लर्न इट। तो उस कारण पे और खुलासा मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं कर सकता, बिकॉज देन YouTube कैन सेंसर दैट। डॉक्टर विश्वरूप, अक्सर ऐसा होता है कि इन कारणों का पहले पता नहीं चलता, वो अचानक से ही मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि किसी की भी डेथ क्यों हुई है। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे कि पहले पता चल जाए कि हार्ट अटैक होने वाला है या इन्हें कोई बीमारी होने वाली है? हाँ, यानी कि पहले अगर प्रिडिक्ट कर पाए, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, अगर उनको मृत्यु से कुछ दिन पहले पता चल जाता कि उस दिन मुझे हार्ट अटैक आएगा या मेरे हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो एक तो वो थोड़ा अलर्ट होकर अपनी अपना अपने बचाव के लिए कुछ सोच सकते हैं, राइट, अपनी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल दिमाग में आता है कि क्या कहीं मुझे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, क्या ऐसा कोई डायग्नोसिस, ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई टूल, ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई पैरामीटर जिससे मुझे अनुमान हो जाए, जिससे मैं प्रिडिक्ट कर पाऊँ कि आने वाले दिनों में इस तरह के हादसे मेरे साथ तो नहीं होने वाले। तो ऐसा कोई फुल प्रूफ मेथड तो मेडिकल साइंस में अभी है नहीं, लेकिन हाँ, अभी तक की जो मेडिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करके कुछ हद तक हम जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, दैट इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम, जो जिसको 2017 में नोबेल प्राइज विनिंग साइंस मिला था, यानी कि बॉडी क्लॉक। आप अपने बॉडी क्लॉक को समझ के ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक कि आप ज्यादा प्रोन है हार्ट अटैक के लिए, कार्डियक अरेस्ट के लिए या किडनी फेलियर के लिए इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो उसके लिए आपको अपना बॉडी क्लॉक समझना होगा। अपने बॉडी क्लॉक को समझने के लिए बॉडी क्लॉक का मतलब क्या है, सर्कैडियन रिदम का मतलब क्या है, वो थोड़ा मैं आपको समझा दूं एक मिनट में। एक गाड़ी होती है, कार है, मान लो कार के 4 टायर है, 4 में से 3 टायर एक जैसे घिसे हुए हैं और 4th टायर बिल्कुल नया डाल दिया आपने।
आपको पता है कि जब चारों टायर एक जैसे नहीं हो, चाहे एक नया है तीन घिसे हैं, तो उससे उस गाड़ी की जो रिदम है वो बिगड़ जाएगी या बिगड़ जाती है। और गाड़ी की रिदम बिगड़ने से उसका प्रभाव इंजन पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट गियर पे, क्लचेस पे, ब्रेक पे, सारे पार्ट्स पे पड़ेगा, और धीरे धीरे वेयर एंड टेयर होगा और अचानक एक दिन ब्रेकडाउन हो जाएगा। जिस दिन ब्रेकडाउन होगा उस दिन आपको एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन वो गड़बड़ एक अचानक नहीं हुआ, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि गाड़ी की रिदम बिगड़ गई। वो क्यों? क्योंकि चार में से एक टायर अलग किस्म का डाल दिया, छोटा बड़े साइज का डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड द रिदम ऑफ द कार। सिमिलरली आपकी बॉडी की भी एक रिदम होती है, उस रिदम से जब बॉडी बिगड़ जाता है, वो बॉडी का क्लॉक या रिदम जब छेड़ देते हैं आप, तो इंसान बीमार पड़ने लगता है और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती है, जैसे वो डिस्टेंस जो रिदम है जितना ज़्यादा बिगड़ेगा। इसको समझने के लिए, या जो आपने सवाल पूछा कि कैसे प्रिडिक्ट करें कि मुझे एम आई प्रोन टू हार्ट अटैक, उसका एक सीधा सा जवाब है कि जो सर्केडियन रिदम यानी कि बॉडी क्लॉक है हार्ट ब्लड प्रेशर का, बस उसको अगर आप फॉलो करेंगे, उसको अगर आप देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कुछ हद तक कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं आ सकता। तो समझिए, ब्लड प्रेशर 24 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं रहता, वो ऊपर नीचे रिदमिक फैशन में चलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता, एक जैसा रहना भी नहीं चाहिए। सुबह 9 से 10 बजे फॉर एग्जाम्पल एक टाइम है जब जब आपका ब्लड प्रेशर 24 घंटे में सबसे ऊंचाई पर रहता है, और रात को ठीक 12 घंटे बाद यानी 9 से 10 बजे या 10 से 11 बजे या 12 बजे तक आपका ब्लड प्रेशर पूरे 24 घंटे का सबसे डाउन में रहता है, राइट? तो समझिए इस बात को कि सुबह पीक पे और रात को 12 घंटे बाद डाउन पे। तो ये जो रिदम है, राइट, ये दिस रिदम, राइट, होने का मतलब आपका हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है, सुबह पीक पे है और रात को बिल्कुल नीचे है, राइट? तो ये फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड प्रेशर सुबह अगर 140/90 है और रात को चेक करता हूँ सोने से पहले 120/80 होता है, तो यानी कि 10 से 20% कम अगर होता है सुबह के मुकाबले, तो मेरा जो बॉडी क्लॉक है ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि आई एम नॉट प्रोन टू हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपको सिंपली यही करना है कि आपको सुबह का ब्लड प्रेशर लेना है और आपको रात को सोने से पहले कर लेना है, तो वो दोनों अगर एक जैसे हैं तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है। ऐसे लोगों को बोला जाता है मेडिकल भाषा में नॉन डिपर्स, और जिनमें गड़बड़ नहीं उनको बोला जाता है डिपर्स, राइट? या फिर कहीं उल्टा है कि सुबह का ब्लड प्रेशर जैसा भी है रात का उससे ज़्यादा है, तो ये और गड़बड़ है। तो यानी कि इतने से आपको अनुमान हो जाएगा कि आपके हार्ट की फंक्शनिंग किस दिशा में जा रही है और आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा है या कम है। तो इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं द कंडीशन ऑफ योर हार्ट। डॉक्टर विश्वरूप, अगर किसी को पता चल जाए कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक नहीं है, तो क्या कोई मेथड है जिससे हार्ट अटैक से बचा जा सकता है? हाँ देखिए, इसमें तो यह है कि उसको करेक्ट करना पड़ेगा। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर लगभग हमेशा ज़्यादा रहता है या कम रहता है, मैं उस सिलसिले में बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, वो एटलीस्ट 10 से 20% ज़्यादा डिफरेंट होना चाहिए, नाइट वाला कम होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपका सवाल है कि ऐसा कैसे करेक्ट कैसे करें, हाउ टू करेक्ट द बॉडी क्लॉक, हाउ टू करेक्ट द ब्लड प्रेशर डिफरेंस। उसके लिए कई सारे मैकेनिज्म हैं, उनमें से एक दो मैकेनिज्म आप घर पे बैठ के कर सकते हैं इसी वक्त, तो वो मैकेनिज्म मैं आपको सिखा देता हूँ। पहला मैकेनिज्म है, इट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन, समय ही दवा है। आप एक काम कीजिए कि अगले 15 दिन के लिए, 10 से 15 दिन के लिए 8 घंटे के ब्रैकेट में खाइए, दैट इज बिटवीन 10 AM टू 6 PM। आप डिसाइड कर लीजिए सुबह 10 बजे के बाद ही मैं खाना चालू करूंगा, शाम के 6 बजे तक ही खाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है कितना खाना है, वो आप देखिए, लेकिन आप खाइए 10 बजे से लेके सुबह शाम के 6 बजे तक, यानी कि शाम के 6 बजे से लेके सुबह अगले दिन 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे, दैट इज 16 आवर ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर ऑफ ईटिंग। तो जब ये करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि हर दिन आपका बॉडी क्लॉक रीसेट होगा, रीसेट होगा, यानी कि वेरी सिंपली कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके ब्लड शुगर कम होने लगेगा, जो लोग मोटे हैं वो पतले होने लगेंगे, जिनके बॉडी में पेन रहता है वो पेन कम होने लगेगा, जिनको नींद नहीं आती उनको नींद अच्छी आने लगेगी, जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं ना जाने डिप्रेशन कहाँ उनका भाग जाएगा। तो ये सारे बदलाव 10-15 दिन में देखेंगे। ये बदलाव का मतलब ये है कि आपका बॉडी क्लॉक ठीक होने लगा है, और 15-20 दिन करने के बाद या 10-15 दिन करने के बाद आप चाहे तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो 8 घंटे के ब्रैकेट को 10 घंटा कर सकते हैं।
और फिर आप सोच सकते हैं 15 दिन मैं 10 घंटे के ब्रैकेट में रहूंगा, 8 AM to 6 PM ही मुझे खाना है और 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना अगले दिन 8 AM तक। तो एक महीना आपने बिता दिया, आप देखेंगे फॉर मोस्ट ऑफ यू जस्ट इसी से आपका जो बॉडी क्लॉक ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर डिफरेंस अगर था तो वो भी ठीक हो जाएगा और आपकी दवाइयों से पीछा लगभग छूट जाएगी। और ऐसा होने के बाद फिर ब्रैकेट को 12 घंटा 12 घंटा कर सकते हैं कि सुबह से 7 बजे से 7 बजे मैं खाऊंगा एंड 7 PM to next day 7 AM नहीं खाऊंगा, इसको स्टैंडर्ड लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ एक मेडिसिन मैंने बताया, टाइम एज मेडिसिन, इतना करने से भी आप अपने बॉडी क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट हो गया ये कैसे पता चलेगा, ये जो सिम्टम्स थे डिस्कम्फर्ट्स थे वो आपको जाने लगेंगे, या फिर ब्लड प्रेशर का डिफरेंस अगर नहीं था तो डिफरेंस आने लगेगा। तो जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके जो चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या कार्डियोवैस्कुलर इवेंट जो है उसमें कमी आ जाए, वो कंट्रोल में ही रहे। तो ये सिंपल है, ये घर में कर सकता है कोई, बिना कोई कोई पैसा तो लगना नहीं है इसमें, सिर्फ टाइम को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर कोई भी पेशेंट आपकी निगरानी में रह करके अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करना चाहे तो उसे कहाँ ज्वाइन करना चाहिए या किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें वो? देखिए, पहली बात तो जो मैंने आपको अभी बताया, जो आप सबने सीखा, ये काफ़ी है फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कि अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करने के लिए घर पे बैठ के ही, राइट। एक दो चीज़ और बता देता हूँ जो घर पे आप कर सकते हैं, एक ही चीज़ और, वी कॉल इट लाइट डार्क सर्कल साइकिल, राइट। जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ जबकि यहाँ पे अभी दिन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, स्टूडियो का ये माहौल है, तो अभी यहाँ पे जो लाइट है वो है करीब 100 लक्स ऑफ लाइट, 100 लक्स, जबकि अभी बाहर धूप में चले जाऊँगा तो वो 1 लाख लक्स ऑफ लाइट है। तो दिन में मेरा बॉडी शुड बी एक्सपोज टू एटलीस्ट 1000 लक्स ऑफ लाइट, इसका 10 गुना ज़्यादा, राइट। और रात में माई बॉडी शुड बी एक्सपोज टू एट द मोस्ट 100 लक्स ऑफ लाइट, यानी कैंडल लाइट से भी कम। तो ये अगर हम बिगाड़ देते हैं कि सुबह तो हम डार्कनेस में रह रहे हैं और रात को टीवी देखते हुए और मोबाइल देखते हुए हम ब्राइटनेस को एक्सपोज हो रहे हैं, तो भी बॉडी क्लॉक बिगड़ जाता है। तो करना क्या होगा कि रोज़ दिन में 2-3 घंटे धूप में बिताइए या विंडो के पास रहिए, लाइट में बिताइए, और 6 बजे के बाद बहुत ज़्यादा फ्लैशी लाइट अपने आसपास मत रखिए। तो ये जब करेंगे ना तो भी आप देखेंगे आपकी नींद बड़ी गहरी होने लगेगी, आपका दिमाग हमेशा ताज़ा रहेगा। तो ये मैंने अब दो टूल तो आपको बताए दिए जो कि घर पे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, सालों साल से बीमार हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, जो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, जिनके घुटनों में बड़े बहुत पेन रहता है, तो ऐसे पेशेंट ने अपनी हालत ख़राब की हुई है, बॉडी क्लॉक पूरी तरह खराब किया हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ ये 2 टूल काफ़ी नहीं होंगे, बहुत सारे और टूल्स हैं, हॉट वाटर इमर्शन है, लिविंग वाटर थेरेपी है, पंचकर्मा है, या फिर 0 वोल्ट थेरेपी है, कई सारे और थेरेपीज हमें देने पड़ते हैं पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट को तो मैं यही बोलूँगा कि हमारा 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी 3 दिन का कैंप है हिम्स दिल्ली NCR, हिम्स मतलब हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस दिल्ली NCR, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिकल हॉस्पिटल हमने खोला है, जो 1000 बेड का है। तो 3 दिन के लिए फरवरी में 17, 18, 19 3 दिन का कैंप होगा, ये कैंप होता रहा है, इसका अगला कैंप ये 3 दिन का है। इस 3 दिन के कैंप में मैं पर्सनली रहूंगा, मेरी कोर मेडिकल टीम MBBS MD डॉक्टर्स, BMS डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर एक्सपर्ट्स रहेंगे, सारे पंचकर्मा एक्सपर्ट सारे लोग रहेंगे, आपकी निगरानी करेंगे और जैसे जैसे आपके पैरामीटर ठीक होते जाते हैं, चाहे वो ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, वेट मैनेजमेंट हो, पेन स्केल हो, तो वो सारे पैरामीटर को देखते हुए आपके थेरेपीज को 3 दिन में मॉडिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली ड्रग्स को टेपर करेंगे। और साथ ही में जब आप 3 दिन बाद जाएंगे घर तो आपको एक स्पेशल किट दिया जाएगा आपकी आवश्यकता अनुसार, एक ऐसा किट जिस किट को यूज़ करके घर पे भी यही सारे टेक्निक्स, कम से कम जो ज़्यादा ज़रूरी है वो घर पे भी आप कर पाएँ और अपने हेल्थ के, अपने बॉडी क्लॉक जो हमने ठीक किया उसको ठीक मेंटेन रख पाएँ। तो जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, वो bishroop.com www.bishroop.com/7272hours HRS एक ही वर्ड है, इसमें जाएंगे, एक फॉर्म भरेंगे जिसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री मेरे पास आ जाएगी, उसको देख के पहले तो हम ये समझेंगे कि क्या हम आपका कोई लाभ कर सकते हैं, क्या आपका आना ज़रूरी है, और अगर तो है तो फिर हम 17 फरवरी का वेट नहीं करेंगे, अभी से आपको थोड़ा बहुत मॉनिटर करना शुरू कर देंगे ताकि जब तक आप हमारे पास आएँ तब तक काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हों। तो नॉर्मली इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में मैं प्रेजेंट नहीं होता, हमारी मेडिकल टीम काम करती है। लेकिन कई बार ये ख्वाहिश आई है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ही मिलना चाहते हैं और मेरे साथ रहते हुए ही ठीक होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। ये काफ़ी सालों बाद ऐसा हो रहा है जब मैं पूरी तरह से 3 दिन साथ में रहूँगा आपके, और
हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी मेडिकल टीम पूरी कोशिश करेगी टू फ्री यू फ्रॉम ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। डॉक्टर विश्वरूप, क्या इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है? नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन जाहिर सी बात है फ्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप रहेंगे 3 दिन, हम आप रहेंगे, आपका खाना पीना, आपका मेडिसिन टेपरिंग, आपका पंचकर्मा, हॉट वाटर इमर्शन, कई सारे थेरेपीज, यानी कि 72 आवर्स आप हमारी निगरानी में रहेंगे। और 72 आवर्स ही नहीं, आप जब वहाँ से घर जाएंगे ना, तो भी यहाँ पे स्कैनर लगा रहेगा, वो स्कैनर आपके बॉडी के ब्लड शुगर को लगातार मॉनिटर करेगा, और 14 दिन बाद वो स्कैनर आप निकालेंगे और निकाल के कुरियर करेंगे। तो वो जो स्कैनर है वो हम कंप्यूटर पर लगा के 14 दिन आपका जो ब्लड का जो सर्केडियन रिदम है वो हम देख पाएंगे, ताकि हम उसके अनुसार आपके जो प्रोटोकॉल को थोड़ा थोड़ा बदलने की जरूरत हो तो बदल पाएं। यानी कि ये प्रोग्राम इज नॉट लिमिटेड टू 3 डेज, उसके बाद भी 1 महीने तक मॉनिटर करेंगे, जाते हुए आपको एक किट हम देंगे। तो ऑल दिस जो है इट विल कॉस्ट यू, एंड इट विल कॉस्ट यू 50,000 रुपीज, इसका पूरे इसका पैकेज का ये खर्चा है। साथ में अगर कोई केयर टेकर आता है, जो यूं ही आ रहे हैं, वो पेशेंट नहीं है आपका केयर करने, जैसे हस्बैंड वाइफ आए थे साथ में, कि वो आना जरूरी भी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी आप यहाँ पे करेंगे, घर में कोई ना कोई होना चाहिए जो सेम चीजों को करा पाए या वो समझ पाए। तो केयर टेकर के लिए फीस 50,000 नहीं है, वो दैट इज जस्ट 25,000। फायदा यह है कि उनको भी ट्रेनिंग मिल जाएगी, वो भी सीख लेंगे, और वो इवेंचुअली 3 दिन वो भी उसी लाइफस्टाइल में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको भी हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। तो जितनी दवाइयों पे आप खर्च करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ यू हर महीने, उतने पैसे में आप हमेशा के लिए ठीक हो जा रहे हैं और अपना डॉक्टर बन जा रहे हैं, किट भी आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक सस्ते का सौदा है। ऊपर से बात जब हो लाइफ एंड डेथ की, तब ऐसी कौन सी दवा है जो आपको बीमारियों से आज़ाद कर दे? दवाइयाँ कभी बीमारी से आज़ाद नहीं करती है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन हाँ, बॉडी क्लॉक को ठीक करके जरूर आप अपनी बीमारियों से अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे। डॉक्टर विश्वरूप, जाते जाते आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश बड़ा क्लियर है, नॉलेज इज पावर। जहां से हो सके, जितना हो सके, अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। अल्टीमेटली जो भी मैंने अभी भी बताया वो कुछ नॉलेज है, जिसके लिए आपको खर्चा नहीं करना है, घर जाके, घर पे ही रहते हुए भी अपने लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव करने हैं, उसी में आपको फर्क दिखेगा। लेकिन इस तरह की और नॉलेज अगर आपको चाहिए, तो मेरा मैसेज ये है कि मैंने बहुत सारे नया और बहुत ही पावरफुल मैसेज इस किताब में डाला है। ये किताब है क्योर एट द रेट ऑफ 0 वोल्ट, और ये किताब आप जरूर पढ़ें। ये अभी हमने इसी साल पहले जनवरी को लॉन्च किया है। इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें जो हमारे गुडविल एम्बेसडर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैम त्वन, जो कि एशिया के पहले स्पेस यात्री हैं, और इन्होंने इसको एंडोर्स किया है। तो बहुत सारी अच्छी बातें आपके लिए इस किताब में है, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, जैसे मैंने बताया। तो होप टू सी यू सम टाइम, एंड टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर नॉलेज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काम आएगा तो सिर्फ नॉलेज। डॉक्टर विश्वरूप, बेहतरीन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।